हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, किसी भी देश की सुरक्षा उसके सैन्य शक्ति पर निर्भर करती है। अगर सेना मजबूत होगी तो देश पर किसी भी बाहरी आक्रमण का कोई खतरा नहीं होगा। सेना को बेहतर और मजबूत करने के लिए दुनिया के अलग अलग देश सालाना बजट का एक बड़ा हिस्सा इस पर खर्च करते हैं। तो चलिए जानते हैं दुनिया के उन 10 सबसे शक्तिशाली सेनाओं के बारे में। ब्राजील। दोस्तों, हाल के कुछ वर्षों में ब्राजील ने अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि कर दुनिया की शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली सेनाओं की सूची में अपनी जगह बना ली है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ब्राजील के पास कुल 360,000 एक्टिव मिलिट्री फोर्स है। ब्राजील के पास 679 विमान, 439 अत्याधुनिक वॉर टैंक्स, 1958 आर्म्ड व्हीकल्स, 136 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 546 टॉर्ट आर्टिलरी, 78 रॉकेट प्रोजेक्टर और 112 वॉरशिप्स हैं। पाकिस्तान। दोस्तों, नंबर 9 पर है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। दक्षिण एशियाई देशों में भारत के बाद पाकिस्तान दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति देशों में से एक है। हाल के कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग कर ली है। पाकिस्तान के पास 640,000 एक्टिव मिलिट्री फोर्स है, 1,387 विमान, 2,824 अत्याधुनिक वॉर टैंक्स, 9,950 आर्म्ड व्हीकल्स, 689 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 1,208 टॉर्ट आर्टिलरी, 560 रॉकेट प्रोजेक्टर और 114 वॉरशिप्स हैं, जो उसे दुनिया का 9वां सबसे ताकतवर देश बनाता है। यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, ब्रिटेन अपनी मिलिट्री सोल्जर्स की शॉर्ट हाइट की कमी के बावजूद वर्ल्ड के टॉप 10 सबसे शक्तिशाली सेना की सूची में आता है। ब्रिटेन के पास 1,94,000 एक्टिव मिलिट्री फोर्स के साथ साथ 693 विमान, 227 अत्याधुनिक वॉर टैंक्स, 5,015 आर्म्ड व्हीकल्स, 89 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 126 टॉर्ट आर्टिलरी, 44 रॉकेट प्रोजेक्टर और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ 45 वॉरशिप्स हैं। फ्रांस। दोस्तों, दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेनाओं की लिस्ट में फ्रांस 7वें नंबर पर है। हालांकि फ्रांस की सेना दुनिया के दूसरे शक्ति संपन्न देशों की तुलना में काफी कम है, लेकिन फिर भी अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकों से लैस है। फ्रांस के पास 205,000 एक्टिव मिलिट्री फोर्स है और इसके सिवा कुल 1,055 विमान, 406 अत्याधुनिक टैंक्स, 6,558 आर्म्ड व्हीकल्स, 109 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 105 टॉर्ट आर्टिलरी, 13 रॉकेट प्रोजेक्टर और 1 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ 180 वॉरशिप्स हैं। दक्षिण कोरिया। दोस्तों, दक्षिण कोरिया दुनिया में सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है। इसका 2022 का रक्षा बजट करीब 46.32 अरब डॉलर था, जो उसे दुनिया में सबसे अधिक सैन्य शक्ति में खर्च करने वाले देशों में से एक बनाता है। दोस्तों, दक्षिण कोरिया के पास 5,55,000 एक्टिव मिलिट्री फोर्स है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के पास 1,595 विमान, 2,624 अत्याधुनिक वॉर टैंक्स, 13,990 आर्म्ड व्हीकल्स, 3,040 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 3,854 टॉर्ट आर्टिलरी, 574 रॉकेट प्रोजेक्टर और 234 समुद्री वॉरशिप्स हैं। जापान। दोस्तों, सैन्य शक्ति के मामले में जापान दुनिया का 5वां सबसे शक्तिशाली देश है। दोस्तों, जापान के पास 247,000 एक्टिव मिलिट्री सोल्जर्स की आर्मी है, 1,449 विमान, 1,004 वॉर टैंक्स, 5,500 आर्म्ड व्हीकल्स, 214 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 480 टॉर्ट आर्टिलरी, 99 रॉकेट प्रोजेक्टर और 155 समुद्री वॉरशिप्स हैं, जो जापान को दुनिया की 5वीं सबसे शक्तिशाली आर्मी बनाता है। हालांकि दूसरे देशों की तुलना में जापानी सेना छोटी है, लेकिन ये अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। 2022 में जापान का रक्षा बजट करीब 47 अरब डॉलर था। वास्तव में ये देश अपनी सेना की शक्ति बढ़ाने के लिए काफी मेहनत कर रहा है। भारत। दोस्तों, भारत की बात की जाए तो दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी के मामले में हमारा देश भारत 4थे नंबर पर है। भारत के पास दुनिया में सबसे बड़ी सैन्य जनशक्ति में से एक है। इसके पास 14,40,000 एक्टिव मिलिट्री सोल्जर्स की आर्मी है। भारत के पास 2,182 विमान, 295 समुद्री वॉरशिप्स, 4,614 वॉर टैंक्स और कई अत्याधुनिक मिलिट्री व्हीकल्स हैं। इसके पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर और 14 न्यूक्लियर सबमरीन भी हैं और दोस्तों 150 से अधिक न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, जो भारत की सेना को दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर सेना बनाती है। चीन। दोस्तों, चीन के पास दुनिया की 3री सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। चीन के पास 20 लाख से अधिक एक्टिव मिलिट्री फोर्स है। चीन के पास 5,250 वॉर टैंक्स, 35,000 आर्म्ड व्हीकल्स और 2,250 परमाणु हथियार भी हैं। समुद्री क्षेत्र की बात की जाए तो दोस्तों, चीन के पास 46 वॉरशिप्स, 72 कॉर्वेट्स और 79 सबमरीन और 123 पेट्रोल वेसल्स भी हैं। दोस्तों, चीन के पास सबसे बड़ी सेना है और उसके पास दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा टैंक और पनडुब्बी बेड़ा भी है, जो इसे दुनिया की 3री सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाती है। रूस।
दोस्तों सैन्य शक्ति के मामले में रूस दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश है। रूस के पास 10 लाख सक्रिय सैन्य कर्मी, 12,950 टैंक्स, 6,083 स्वचालित तोपखाने, 4,173 फाइटर इंटरसेप्टर्स, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ 605 सबमरीन और 3,860 रॉकेट प्रोजेक्टर हैं, जो रूस को दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति वाला देश बनाता है। दोस्तों दुनिया के किसी भी देश की तुलना में रूस में सबसे अधिक वॉर टैंक्स हैं। रूस के वायुसेना संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है और सबमरीन के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्मी है। दूसरे देशों की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी सेना पर सबसे अधिक पैसा खर्च करती है, जो बाकी सबसे अधिक खर्च करने वाले 9 देशों के बराबर होता है। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 14 लाख एक्टिव मिलिट्री फोर्स है, 8,848 टैंक्स, 13,892 विमान और 72 सबमरीन भी हैं, जो उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्मी बनाता है। इसके अलावा दुनिया में सबसे अधिक फाइटर प्लेन्स, अत्याधुनिक तकनीक से लैस नौसेना और दुनिया का सबसे घातक परमाणु शस्त्रागार भी इसके पास है। एक सर्वे के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 6,800 न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। तो दोस्तों ये थी वर्ल्ड की टॉप 10 सबसे शक्तिशाली आर्मीज। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले मिल सके।